इसमें अलॉय कर दिए मारुति की जैन में, ये देखिए डायमंड कट में रहने वाले, ये व्हील आर्च रहता भाई अपना, वो भी माउंट वाला। जो 90% जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो केवल चूतिया बना रहे हैं यहाँ पे, मैं जितना तो मैं भी समझ गया। तो ऑटो फोल्डेबल मिरर की भाई पूरी की पूरी फिटिंग करी है, इंटीरियर किट डाली है इसके अंदर, ये देखिए ये चेक कर लो, ये मारुति की जैन में 360 कैमरे के साथ, मतलब जीपीएस ट्रैकर की भी फीचर हमेशा एंड्रॉइड में मिल जाते हैं। केवल गुमराह करना है कि बाहर से गाड़ी आ गई, चूतिया बन के घूमते रहो, वरना तुम इधर के रहो ना उधर के रहो। ब्रीजा का काम फाइनली पूरा कर दिया भैया, क्या क्या अपग्रेड करा है, कैसे हमने इसके अंदर बता दो एक बार। इसमें एमजीपी के हमने फॉग लाइट लगा दिए, देखो प्रॉपर मारुति ठीक है जी। उसके बाद हमने फॉग लाइट इसमें क्रोम लगा दिए, आपका क्रोम लग गया भाई ऊपर से, देखो भाई बढ़िया लग रहा है अपना एमजीपी का ओरिजिनल, क्रोम भी एमजीपी का ओरिजिनल डाला है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हमने 360 कैमरा लगाया इसके अंदर, 360 कैमरे की फिटिंग करी हमने इसके अंदर, ठीक है। तो 360 कैमरा रहने वाला भाई, ये देख लो कौन सी कंपनी का डाला है, ये प्रोनोड का लगाया हमने, प्रोनोड का। कितनी वारंटी के साथ है? 2 साल रिप्लेसमेंट गारंटी। चलो 2 साल रिप्लेसमेंट के साथ है, ठीक है। और क्या अपग्रेड? उसके बाद हमने इसमें व्हील आर्च लगाई है भाई, व्हील आर्च की अपग्रेडेशन करिए, चेक कर लो एक बारी, ये व्हील आर्च रहता है भाई अपना, वो भी माउंट वाला, माउंट वेजिंग से पता लगता है भैया की चीज एकदम एमजीपी के ओरिजिनल है। बिल्कुल, ये चेक करो, तो कभी भी व्हील आर्च लगवाओ तो माउंट वेजिंग वाला ही लो। उसके बाद हमने इसमें अलॉय कर दिए मारुति की जैन में, ये देखिए डायमंड कट में रहने वाले। तो जो टॉप मॉडल के अंदर अलॉय होता है सेम एज इट इज होता है, डायमंड कट के अंदर बिल्कुल ओरिजिनल एमजीपी की एक्सेसरीज ही डाली है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ऑटो फोल्ड मिरर हमने इसके अंदर लगा दिए, ऑटो फोल्ड मिरर, ठीक है। कैसे चेंज कर दिए? प्रॉपर चाबी से वर्क करेगा, एक बार चेक करके दिखाओ। तो ऑटो फोल्डेबल मिरर की भाई पूरी की पूरी फिटिंग करी है, प्रॉपर चाबी से कंट्रोल रहने वाला है, एमजीपी की ओरिजिनल एक्सेसरीज एकदम, और सेम यही कलर में। ये जो ये आते हैं ये पियानो फिनिशिंग के अंदर आते हैं, बट क्या है कि भैया के पास मिरर वो थे जो इनके पहले वाले, उन्हीं का कवर हमने लगाया है। अच्छा, कवर आपने उस पे लगा दिया, बट वैसे ये पियानो फिनिशिंग के अंदर है, तो मतलब ये ऑटो फोल्ड मिरर आपको यहाँ पे हमारी शॉप पे भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने लोअर गार्निश लगा दिया 6 पीस की एमजीपी की रहने वाली, चेक कर लो 6 पीस की एमजीपी की ओरिजिनल। भैया होता क्या है, लोग गाड़ी ले लेते हैं, बट जब इसको लेके आते हैं एजेंसी की साइड से काम करवा करके, तो वहाँ ये चीज 10 गुना महंगे रेट में लगती है। तो आप अपना पैसा बचा सकते हो भाई, हमारी शॉप पे आकर के यहाँ पे काम करा सकते हो, और जो चीज वहाँ पे 40,000 की होगी वो यहाँ पे बहुत कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट हाफ रेट। बिल्कुल। उसके बाद हमने इसमें डोर वाइजर लगा दिया माउंट वाले, डोर वाइजर अपग्रेड कर दिया भैया माउंट वाले, तो ये प्रॉपर निशानी है एमजीपी ओरिजिनल एक्सेसरीज की, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर साइड ग्लाइड साइड बिडिंग लगा दी है, साइड बिडिंग इंस्टॉलेशन माउंट वाली रहने वाली, लोगो लगा हुआ, इसका मतलब ये भी एकदम जेन्युइन एक्सेसरीज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें 3mm की टेप से लगता है, ये प्राइमर लग के 3mm की टेप विद प्राइमर, विद प्राइमर, ठीक है जी। और उसके बाद हमने इसके अंदर रिफ्लेक्टर लाइट लगा दी है, ये देखिए रिफ्लेक्टर लाइट अपग्रेड करिए, ये चेक करो भाई एक बार दोबारा जला के दिखाना, ये देखो भाई। तो रिफ्लेक्टर लाइट डालिए, मैट्रिक्स आते थे पहले, हाँ ये पहले इसके अंदर क्या है, पहले एकदम रिफ्लेक्टर आते थे नॉर्मल, लाइट वो करती थी तो इफेक्ट करते थे वो, अब उसके बाद हमने इसके अंदर 360 कैमरा इधर भी इंस्टॉल हो गया, की फिटिंग देख लो, ये देखिए ये प्रॉपर आ चुकी है, ठीक है जी। मैट्रिक्स वाले रिफ्लेक्टर अब हम लोगों ने इसके अंदर डाले, आइए अंदर से दिखाते हैं, अंदर से देखते हैं। उसके अलावा भैया ये भी दिख रहा है हमें, देखो वेलकम लाइट, हमने इसके अंदर वेलकम लाइट लगा दी है। फिर उसके बाद हमने इसमें फ्लोरिंग कर दी है, ये देखिए फ्लोरिंग चेक कर लो भैया एक बार, ये कौन सी फ्लोरिंग, क्या नाम होता है इसको, इसको पत्थर बोलते हैं, पत्थर वाली फ्लोरिंग है, और मैट डाले वो भैया ने अपने पुराने, वो जो गाड़ी के अंदर ही आते थे वही, ठीक है जी। अब एक बार बैठ के देखते हैं गाड़ी के अंदर भैया, वाह काफी कुछ मेरे को अपग्रेडेशन की स्मेल आ रही है, महक लग रही है भैया, मॉडिफिकेशन लग रहा है। उसके बाद हमने क्या है इसके अंदर, ये देखिए मारुति की जेन्युइन, मारुति की जेन्युइन हमने ये इंटीरियर किट डाली है इसके अंदर, ये देखिए ये चेक कर लो, ये मारुति की जेन्युइन इंटीरियर किट, ऐसी तो ऐसी नहीं आती ना वो, इसमें शायद आपने डिपिंग कर रखी है, ये डिपिंग नहीं है, ये मारुति की जेन्युइन है, ये मारुति की जेन्युइन आती है ये। अच्छा, नहीं तो लोग क्या करते हैं, ये ऑन ऑर्डर आती है, मगर ऑन ऑर्डर, हाँ ये कस्टमर हमारे थे बरेली से आए हुए थे, तो इन्होंने हमें पहले ही ऑर्डर कर दिया था कि हमें को जो इसकी इंटीरियर किट चाहिएगी वो हमें प्रॉपर टॉप मॉडल वाली चाहिए, टॉप मॉडल वाली चाहिए, तो सेम एज इट इज वही चीज हमने इसके अंदर इंस्टॉल करी भाई। फिनिशिंग चेक कर लो एक बार, एमजीपी की ओरिजिनल एक्सेसरीज डल चुकी है। बिल्कुल। उसके बाद हमने इसमें एम्बिएंट लाइट लगाई, एम्बिएंट लाइट की फिनिशिंग चेक कर लो भैया, मतलब एम्बिएंट लाइट चेक कर लो भैया, K4 रहने वाली है, हाँ K4 रहने वाली है। कितने पीस में? ये 6 पीस के अंदर रहने वाली है।
पीस के अंदर अपनी K4 की फिनिशिंग देख लो भैया, पीछे भी प्रॉपर अपनी लाइट एकदम बढ़िया ब्लिंक कर रही है। कितनी वारंटी गारंटी रहेगी भैया? दो साल की रिप्लेसमेंट गारंटी रहने, दो साल की कुछ भी प्रॉब्लम आई, दो साल के अंदर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है सीधा रिप्लेसमेंट। बटन वगैरह सब कुछ इंस्टॉल करके दिया आपने? ठीक है जी। और फोन इसमें क्या है, फोन के ऐप से कंट्रोल होती है ये। उसके बाद हमने इसमें इनर हैंडल क्रोम लगा दिए। इनर हैंडल क्रोम देख लो भैया, इनर हैंडल क्रोम एमजीपी ओरिजिनल रहने वाला है। एमजीपी ओरिजिनल तो इनर हैंडल क्रोम भाई से बोलते हैं। जब ये हम गेट खोलते हैं ना, तो ये जो बेस मॉडल में आता है ये फुल ब्लैक आता है, तो हमने इसके अंदर क्रोम ऐड कर दिया। बस क्रोम ऐड हुआ है, बाकी एमजीपी की ओरिजिनल सीरीज से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हमने इसमें गियर नॉब लगा दिए, गियर मॉडल वाली, टॉप मॉडल वाली। बेस मॉडल में तो ब्लैक सी आती है, ब्लैक आती है उसके अंदर, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने इसमें आर्मरेस्ट लगा दिया। आर्मरेस्ट चेक कर लो भैया, एमजीपी का जेन्युइन आर्मरेस्ट एकदम जी। चेक करो भैया फिटिंग, चेक करो भैया प्रॉपर H2H फिटिंग। जैसी आपको, मैं सुना लोगों के मन में ना मिथ होता है कि भैया एजेंसी से हो रहा है तो मतलब अच्छा हो रहा है, बाहर हो रहा है तो खराब हो रहा है। नहीं सर, बाहर ऐसा कुछ नहीं है, एजेंसी से सस्ता ही मिलेगा बल्कि यहाँ पे। और आपके सामने ही जो भी डब्बा आएगा आपके सामने खुलेगा एमजीपी का जेन्युइन स्टिकर के साथ जी। चाहे कहीं से भी चेक करा लो, ये ठोक बजा के गारंटी देते हैं हम। श्री जी कार एक्सेसरीज में टेबल पे बॉक्स रखेंगे जी, चेक कर लो सील अपने आप ओपन करो, फिटिंग के टाइम भी खड़े रहो कि भैया कहीं कोई तार तो छेड़ नहीं रहा। बिल्कुल हमारी गारंटी, कोई भी मॉडिफिकेशन में आपकी गाड़ी की कोई वायर कट नहीं होने वाली। बिल्कुल कोई भी नहीं सर एकदम। अगर हमारा कोई वायरिंग भी डलेगी तो हमारी डलेगी, आपकी वायरिंग से कोई छेड़छाड़ होगी होगी नहीं। ठीक है जी, बात करते हैं सामने हेड पे। मेरे को एक बहुत ही सुंदर सा एंड्रॉइड दिख रहा है, इसमें हमने प्रोनोड का 360 वाला एंड्रॉइड लगाया है। प्रोनोड कैसा ब्रांड रहने वाला है भैया? प्रोनोड सबसे बेटर है सर, सबसे इसमें, हाँ, इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है, जैसे लोग क्या करते हैं कि जीपीएस वगैरह लगवाते हैं, हाँ। जीपीएस इसमें लगवाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कंपनी इसमें अच्छा, देती है। अच्छा सिम कार्ड वाला है। हाँ, इसमें सिम स्लॉट लगता है, तो सिम स्लॉट लगता है गाइस, ये आप चेक कर लो भैया, यहाँ पे सिम कार्ड, ये पेन ड्राइव लग गई है, इसके ये चेक करो। तो इसके अंदर भाई सिम कार्ड डलेगी, मतलब पूरी इंडिया में हमारी गाड़ी कहाँ घूम रही है, किधर नाच रही है, हमें सब कुछ पता लगेगा। हमारी गाड़ी की प्रॉपर रिपोर्टिंग लगेगी की कहाँ गया। 360 कैमरे के साथ मतलब जीपीएस ट्रैकर की भी फीचर हमें इस एंड्रॉइड में मिल जाते हैं, और थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होगा, महंगा होगा पर अच्छा होगा, अच्छा होगा। ये देखिए ना सर 360, ये देखो भैया 360 चेक करो, ये हमने इधर का इंडिकेटर दिया, ये आ गया। और जो फोर्सली 360 फेम होता था, हमने 3D लेफ्ट का दिया, लेफ्ट का आ गया, ठीक है जी। उसके बाद ये देखिए 3D व्यू, ये आ गया 3D व्यू, ये देखो फ्रंट बैक साइड रियर, ये देखिए एजेस, ये देख लो, ये देख लो, हर एक एक चीज आपको प्रॉपर दिखेगी। और 3D व्यू में ये रहा, ये रहा देखो, ये चेक करो भाई। तो प्रॉपर मतलब BMW वाले फीचर आपने गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर दिए अपनी ब्रीजा के अंदर मारुति की। उसके अलावा भैया लोग कहते हैं कि यार ये एंड्रॉइड लैग कर रहा है, भाई ये एंड्रॉइड तो सर इसकी गारंटी मैं ये लेता हूँ, अगर ये कि जिस दिन भी लैक हो जाए अपने पैसे ले जाओ, पैसे ले जाओ और एंड्रॉइड भी ले जाओ, चलो जो बोलो वो हारने को तैयार है। बिल्कुल ये जो मॉडल है गाइस, ये बहुत हैवी मॉडल है, अच्छे स्पेक्स के साथ है, तो ये तो लैग ही नहीं कर सकता। इवन कोई भी एंड्रॉइड अगर हम सस्ता भी बात करते हैं, हमारी दुकान में कितने से स्टार्टिंग हो जाएगी सर? हमारे पास 4500 रुपए से स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग है, और 35500 तक की रेंज तक है, रेंज तक के एंड्रॉइड है। अच्छा जो 4500 है वाला वो भी लैग नहीं करेगा? वो 232 के अंदर आता है, वो मीडियम अपना जैसे टैक्सी वाले वगैरह होते हैं उनके लिए चाहिए होता है। वो क्या करते हैं उसमें नेविगेशन वगैरह चलानी होती है या फिर गाने वगैरह सुनने, बट लैग वो भी नहीं होगा, लैग वो भी नहीं होगा, लैग की उसकी भी गारंटी होगी, लैग की उसकी भी गारंटी, चाहे 4500 का लो चाहे 35000 तक का लो, उसकी भी सर 1 ईयर की रिप्लेसमेंट गारंटी आती है। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है सीधा रिप्लेसमेंट आपको परेशान नहीं करा जाएगा। ये नहीं कि भैया हमने खोल के रख लिया, अब कल आओ परसों आओ, ऐसा कुछ नहीं, हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट होगा। ऑटो एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले वायरलेस, कोई वायर कनेक्ट नहीं करनी, कोई कुछ नहीं, और बहुत ही स्मूथ रिस्पॉन्स रहने वाला जी। बिल्कुल ठीक है भैया। फ्रेम की बात कर ले, फ्रेम आप ग्लोसी के अंदर हमने जैसे टॉप मॉडल में आता लग के ग्लोसी के अंदर हमने इसमें फ्रेम लगाया। क्या है सबसे अच्छी चीज, खूबी ये भी है कि ये वॉइस कमांड है, ये देखिए ओपन द म्यूजिक, वाह भाई ये तो कुछ नया ही फीचर देखा भैया मैंने, ये देखो। चलो इसमें क्या सर, ये वॉइस कमांड वगैरह में चलता है पूरा। अच्छा ये मतलब वॉइस कमांड वाला रहने वाला प्रॉपर एंड्रॉइड है। हाँ जी, मतलब जो हम बोलेंगे वो ये, जैसे वो हमारे एप्पल के फोन के अंदर सीरी होती है ना, वैसे इसके अंदर भी इन्होंने एक अपनी सीरी बिठा रखी है, वो आप ये देख सकते हो। ये प्रॉपर वॉइस कमांड आपका वर्क कर रही है भाई इसके अंदर सारे, मतलब टर्न ऑन टर्न ऑफ, ओपन ब्लूटूथ, वॉइस वॉल्यूम, म्यूजिक, सारे के सारे कमांड है जो हम बोलेंगे जी। ये अपने आप वो चीज एक्शन को फॉलो करेगी। काफी बढ़िया भैया फीचर्स, काफी लोडेड करे आपने गाड़ी के अंदर, मैंने देखा बहुत मिनिमम काम करा जी, बट बहुत फ्यूचर लोडेड काम करा, अच्छा काम करा सर। अभी क्या है, आज क्या है, सैटरडे है, सैटरडे संडे को बहुत रश होता है यहाँ पे। हमारे पास दो गाड़ी और भी लगी हुई थी ब्रेजा, तो सर आए थे अलीगढ़ से, तो इनके पास टाइम नहीं था, इन्होंने क्या कंपनी में पैसे पे कर रखे हैं सीट कवर के भी। सीट तो अभी सर कह रहे हैं हम 15 दिन बाद आएंगे रिटर्न में, हाँ। तो हमें सीट कवर वगैरह, इंटीरियर वगैरह
और जब आके कराएंगे, इसमें सनग्लास होल्डर लगने वाला था, पीछे का बैक वाइपर वगैरह लगने वाला। ठीक है, तो अपनी और ब्रीजा खड़ी है, चलो वो दिखाते हैं एक बार। तो हम ये भैया हैं हमारे पास, भैया कहाँ से आए थे आप ये बताइए? भैया बरेली से आए थे, यूट्यूब पे वीडियो देख के आए थे, आपको जैसा यूट्यूब में देखा वैसा आपको मिला? बिल्कुल सेम। कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई आपसे बात नहीं करी या गाड़ी खुलवा दी, कोई रिस्पॉन्स नहीं है किसी चीज का? काम सब जेन्युइन हुआ, बढ़िया हुआ काम। आपको एक एक चीज दिखाई गई, मारुति का सामान दिखाया गया, सारा जेन्युइन, कोई शिकायत किसी चीज की? ना, कोई शिकायत नहीं। जो आपको रेट दिए जो था बिल्कुल आपका प्रॉपर वही रेट में काम हुआ, डिस्काउंट भी मिला आपको उसमें? डिस्काउंट बढ़िया मिला, 5000 रुपए का मिला। तो भैया हमारे पास आए थे, बरेली से आए थे, कम से कम यहाँ से 200-250 किलोमीटर पड़ता है, 300 किलोमीटर में भैया अपने पास में आए, तो बेस्ट टू टॉप कराने के लिए आप भी श्री जी कार पे विजिट करो और बेस्ट टू टॉप कराओ। तो भैया हमें ये बताइए हमारा काम आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, 10 में से 10, 10 में से 10 नंबर। तो भैया आप भी अपनी गाड़ी लेके आइए श्री जी कार पे, श्री जी कार पे अपने पास आइए और बेस्ट टू टॉप करा के लेके जाइए। सबसे बेहतरीन चीज जो और देते ना कि भाई 90% डिस्काउंट और 80% डिस्काउंट, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ फैलाने वाली बात होती है, तो फर्जी है, कोई मतलब नहीं है। समझ गया यहाँ मैटर क्या है, जो 90% जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो केवल चूतिया बना रहे हैं यहाँ पे, मैं जितना तो मैं अभी समझ गया, केवल गुमराह करना है कि बाहर से गाड़ी आ गई, चूतिया बन के घूमते रहो, वरना तुम इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। भैया जैसे हमारी बात व्हाट्सएप पे बात हुई, आपको वैसे ही बात मिली यहाँ पे, वही काम मिला है आपको? बिल्कुल सेम, बढ़िया काम हुआ। तो भैया समझ के आइए और सोच समझ के दुकान को देखकर जब आइए, कहीं पर भी ऐसा नहीं। क्रेटा मैं इनके पास लाऊंगा 15 दिन बाद, वो भी बेस मॉडल है, वो भी टॉप बनवाऊंगा जी। चलो थैंक यू भैया, ठीक है। तो भाई अपनी ब्रीजा हम लोगों ने रेडी कर दी है, भाई लाइन लगा रही है ब्रीजा की, भैया क्या क्या करा है अपग्रेड बताओ। इसके अंदर हेडलाइट में एलईडी डाल दी हमने, हेडलाइट में एलईडी अपग्रेड, 480 वाट की एलईडी डल गई है इसके अंदर। के बाद हमने इसमें फोक लाइट आईपीएस प्रोजेक्टर लगा दिए विद एलईडी, चेक करा एक बार रिस्पॉन्स, और एक बार फ्रंट साइड से देख लेते हैं भैया। तो देखो डिपर चेक करो भाई, देख रहे हो दिन दहाड़े क्या डिपर मार रहा है भाई। कितने एलईडी कितने वोट डाली है अपने? हमने वन साइड 240 वोट है, टोटल 480 वोट, 480 वोट की एलईडी की अपग्रेडेशन हुई है, और नीचे जो है आईपीएच के प्रोजेक्टर डाले हैं 200 वोट के अंदर, 200 वोट के अंदर नीचे है। तो भाई लाइटों के अंदर बढ़िया रिस्पॉन्स है, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइटों की? अभी नहीं है सर, 2 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी, रिप्लेसमेंट गारंटी है, हर एक आइटम की रिप्लेसमेंट गारंटी रहने वाली है। सीट कवर की कितनी गारंटी रखी है? 5 साल की गारंटी, 5 साल की एज यूजुअल जो हमारी शॉप से मिलती है, बढ़िया। अच्छा व्हीलर्स लगा, व्हीलर्स लगा दिया, वो भी माउंट बैजिंग वाला, एमजीपी की ओरिजिनल एक्सेसरीज इंस्टॉल करिए गाइस। ये जो व्हीलर्स वाला ये जो साइन होता है, ये उसका माउंट वाला साइन होता है, निशानी लगा दिया, साइड बिडिंग इंस्टॉल कर दी है, ये चेक करो भाई एमजीपी की ओरिजिनल साइड बिडिंग। उसके बाद हमने लो इसमें डोर वाइजर लगा दिए, डोर वाइजर चेक कर लो भाई, डोर वाइजर आने वाले क्रोम लाइन, क्रोम लाइन। फिर इसके अंदर रूफ रेल लगा दी हमने, रूफ रेल लगाई, और भैया ये निकलेगी तो नहीं है? मतलब ही नहीं है सर निकलने का, परमानेंट चिपका, गारंटी है भाई, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें सीट कवर डाल दिए, थाई सपोर्ट वाले सीट कवर लगाए, थाई सपोर्ट वाले, मतलब बढ़िया सीट कवर रहने वाले, वो भी क्या कहते हैं बकेट फिटिंग के अंदर, बकेट फिटिंग के अंदर। उसके बाद हमने इसमें स्टीयरिंग रैप कर दिया ओईएम के अंदर, स्टीयरिंग देख लो भाई ओईएम वाला रैप करा है। उसके बाद हमने इसमें आर्मरेस्ट लगा दिया, आर्मरेस्ट कंपनी का, एमजीपी ओरिजिनल एक्सेसरीज इंस्टॉल करी है, ठीक है। और क्या अपग्रेडेशन है? उसके बाद हमने पीछे इसमें रिफ्लेक्टर लगाए, ठीक है, रिफ्लेक्टर चेक कराते हमने, रिफ्लेक्टर लाइट लगा दी, रिफ्लेक्टर लाइट अपग्रेड करिए, देख लो ये पहले मैट्रिक्स वाले रिफ्लेक्टर अब डाले, पहले सिर्फ नॉर्मल आए करते थे, जो सिर्फ लाइट पड़ने पे रिफ्लेक्ट करेगा, अब मैट्रिक्स वाले डाले भाई, अब इसमें इंडिकेटर वगैरह। जैसे एक बारी लुक चेक कर लो भाई गाड़ी की, अब क्या बल्कि लुक आ रही है, मतलब ये लाइट अपग्रेड करके ना बढ़िया लुक आता है गाड़ी में। भाई आए हुए थे अपने पास, भाई की अपनी गाड़ी है, ये ओनर भाई है। तो भाई हमें ये बताओ हमारा काम कैसा लगा? बिल्कुल बढ़िया काम लगा, जेन्युइन काम लगा, जो आपने प्राइस बताया, जो बताया सारा कुछ, उसमें कोई दिक्कत परेशानी है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा काम करा। तो भाई जी आप भी अपनी गाड़ी लेके आइए श्री जी कार पे, विजिट करिए, बेस्ट टू टॉप करवाइए। चलो भाई मजा आ गया, भैया की गाड़ी थी भैया। अब अपनी सेकंड ब्रीजा कौन सी है?